जैस्मिन बासिन ने कही अपने दिल की बात। ठीक है, ऐसी ही करनी है जो सारी जिंदगी निभा पाऊं। शादी से जुड़े प्लान को किया जैस्मिन ने शेयर। बिग बॉस के घर में अपने पर्सनल लाइफ और शादी से जुड़े सवालों को लेकर जैस्मिन दे रही है जवाब, जहां वो अभिनव और शार्दुल के संग अपनी शादी के प्लानिंग को कर रही है डिस्कस। जहां शार्दुल जैस्मिन से कहते हैं कि तुझे कोई ऐसा तो नहीं मिलेगा जो तेरे लिए कपड़े धोए और मटन बनाए, चांसेस है कि तुम खुद ये सारी चीजें चैचा चैचा कर कर करती रहोगी। तुम्हारी ऐसी से तो नहीं होने वाली जिसको कपड़े धोने आते हैं और जिसको मटन गोश्त बनाते आता है, ऐसी से तो नहीं होने वाली। चांसेस आर कि तुम चैचा चैचा करके खुद बना रही होगी मटन गोश्त। मुझे लगता है मेरी कभी होने ही नहीं वाली। लेकिन जैस्मिन को तो नहीं लगता कि उनकी शादी कभी भी होने वाली है, जहां अभिनव कहते हैं कि 4 या 5 साल में इसकी शादी हो जाएगी। 4-5 साल। हाँ, करेक्ट। सी, कलेक्टिव इंट्यूशन जा रहे हैं हम लोगों को। अभिनव के बाद से जैस्मिन होती है सहमत, क्योंकि उनकी भी है यही प्लानिंग। लेकिन जैस्मिन कहती है कि उनका ऐसा नहीं है कि करनी है तो मतलब करनी है, शादी नहीं भी हुई तो भी चलेगा। जहां जैस्मिन अपने प्लान को करती है शेयर और कहती है कि अगर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ जिंदगी बिता पाऊंगी, क्योंकि शादी ऐसी नहीं करनी कि मैं बीच में ही गिव अप कर दूं या तोड़ दूं, क्योंकि आई एम नॉट अ क्विटर। प्लान बताया था मेरा प्लान क्या प्लान है। If I find somebody के हाँ इसके साथ सारी जिंदगी निभा पाऊंगी, क्योंकि शादी वैसी नहीं करनी जो मैं बीच में give up करके तोड़ दूँ, I am not a quitter, ठीक है। ऐसी शादी करनी है जिसके साथ सारी जिंदगी निभा पाऊँ, अगर नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी। I want to adopt a baby girl and then give her a great life in my capabilities so that girl or a boy girl। अगर जैस्मिन को कोई नहीं मिला तो वो एक बेबी गर्ल को करेंगी अडॉप्ट और देंगी उन्हें एक अच्छी सी जिंदगी। जैस्मिन अपने रिलेशनशिप को लेकर तो है काफी क्लियर, अब जैस्मिन को है इंतजार कि मिले उन्हें उनका कोई मिस्टर परफेक्ट। आपका क्या है कहना जैस्मिन के इस प्लानिंग पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।